खान आपकी शादी कब है? मुर्शिद आपको मैं अकेले में भिजवा दूंगा। बाबर आजम की शादी कब होगी? मोहम्मद रिजवान कवर ड्राइव मास्टर के पीछे पड़ गए। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को लाजवाब कर डाला। बाबर आजम की शादी कब होगी? मद्दा बेताब। इन दिनों सोशल मीडिया पर बाबर आजम की शादी का शोर गुल है, जहां पर बाबर आजम के मद्दा कवर ड्राइव मास्टर की शादी कब होगी ये जानने के लिए मुख्तलिफ दिलचस्प सवालात का पिंडोरा बॉक्स खोले बैठे हैं। बाबर आजम ने तन्हाई मांग ली, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर कौमी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान भी कवर ड्राइव मास्टर के मद्दाहों का ट्विटर स्पेस पर साथ देते हुए दिखाई दिए। आपकी शादी कब है? मुर्शिद आपको मैं अकेले में भिजवा दूंगा। ट्विटर स्पेस पर कौमी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम से शादी से मुतालिक दिलचस्प सवाल कर डाला, जिसे सुनते ही अचानक बाबर आजम दंग रह गए। बाबर के मद्दाहों का साथ देते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है कप्तान से। जवाब में बाबर आजम ने कहा, हाँ जी आप कहाँ से आ गए? मोहम्मद रिजवान ने हंसते हुए कहा कि क्या आप रेडी हैं जवाब देने के लिए? बाबर आजम ने कहा, जी मैं रेडी हूँ। वक्त जाया ना करते हुए मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम से फौरी पूछा कि आपकी शादी कब है? बाबर आजम ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता था कि आपने यही सवाल करना था, जिस पर कौमी विकेटकीपर ने जवाबन कहा, नहीं आपको अब जवाब देना ही पड़ेगा। दूसरी जानिब बाबर आजम ने शादी की बात को गोलमोल करते हुए कहा कि मुर्शिद मैं आपको अकेले में ही इसका जवाब दूंगा, जिस पर मोहम्मद रिजवान कहकहे लगाकर हंस पड़े। मेरा भी एक सवाल है कप्तान से। जी कप्तान, आपकी शादी कब है? मुझे पता था आपने ये सवाल कर दिया यार। नहीं है सवाल, आप जवाब देना पड़ेगा आपको। मुझसे तो आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा। वाज़ रहे कि बाबर आजम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मद्दाहों के सवालात पर दिल खोल कर जवाब दिए। उनका कहना था कि कोई इंसान हर लिहाज से मुकम्मल नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। क्रिकेट में कारकर्दगी का तसलसल अहम है, मगर किसी से भी हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं हो सकती, उतार चढ़ाव कैरियर का हिस्सा है। बाबर आजम ने मजीद कहा कि परिस्तारों को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए खेलने वाला हर प्लेयर मेहनत करता और कुर्बानियाँ देता है। इन खिलाड़ियों पर तनकीद जरूर करें, मगर जाती हमलों से इज्तनाब बरतें, क्योंकि उन्हें भी जहनी अजियत पहुंचती है।